just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी F14, इस फोन के अंदर अगर फ्रेंड्स आप डुअल एप्स को बनाना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी भी जो पेटीएम वगैरह है उनका बनाना चाहते हो, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे बना सकते हैं। आपकी जो फोन की सेटिंग रहेगी वो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ओपन ही करनी होगी अगर आप डुअल एप्स को करना चाहते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आप इस तरह से इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, आप नीचे की ओर आ जाइए, आपको नजर आएगा एडवांस फीचर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे के लिए आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा आपको डुअल मैसेंजर, अब आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ फ्रेंड्स आपको जो भी एप्स देखने को मिल रहे हैं इस फोन के अंदर उनका आप क्लोन कर सकते हो, मतलब इस फोन के अंदर उन्हीं एप्स का डुअल ऐप बना सकते हो जो यहाँ पे आपको लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इनमें से वो कोई एप्स है जिनका आप क्लोन करना चाहते हो तो उस पर ऐसा क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, यहाँ कन्फर्म करना होगा और नेक्स्ट करके आपको यस करना है, तो आपको ये डुअल होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आपकी जो होम स्क्रीन है उस पर आप डुअल एप्स को देख पाएंगे, जो भी आपने डुअल ऐप बनाया वो अब आप स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फेसबुक एक साइड देखने को मिल रहा है आपको, एक इस साइड आप देख सकते हो फेसबुक देखने को मिल जाएगा, तो दोनों ही जगह आप अलग अलग अकाउंट का यूज कर सकते हो इस फोन के अंदर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर कैसे डुअल एप्स आप इस फोन में बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी।